आज हम बात करेंगे जैकफ्रूट फार्मिंग यानी कि कटहल की खेती के बारे में। रिसेंटली हाल ही में जैकफ्रूट का टॉपिक काफी चर्चा में रहा है क्योंकि जेम्स जोसेफ जो माइक्रोसॉफ्ट में एक डायरेक्टर थे ने अपनी प्रेस्टीजियस जॉब को छोड़कर जैकफ्रूट 365 नाम की कंपनी शुरू की है। ये देखना इंटरेस्टिंग है कि एक हाई प्रोफाइल जॉब छोड़कर कोई जैकफ्रूट पे फोकस कर रहा है, इसीलिए कटहल के बारे में डिस्कशंस बढ़ गई है। तो चलिए आज हम जैकफ्रूट फार्मिंग के हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में समझते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है आदित्य और मैं हूं आपका होस्ट। तो आगे देखते हैं कि जैकफ्रूट के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दे कि एक एकड़ जमीन पर 1,00,000 रुपए तक की आय कैसे कमाई जा सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर इस विषय पर मौजूदा डिटेल्ड कोर्स जरूर देखें, जहां शुरू से लेकर के अंत तक की सारी जानकारी आपको विस्तार में मिल जाएगी। चलिए अब आते हैं वापस हमारे आज के टॉपिक पर जो कि है कटहल। तो जैकफ्रूट फार्मिंग एक उभरता और मुनाफेदार वेंचर है। महाराष्ट्र के झापर गांव में ये इंडिया का पहला लार्ज स्केल कमर्शियल जैकफ्रूट कल्टीवेशन है। यहाँ 128 ग्लोबल जैकफ्रूट विकल्पों में से 86 वैरायटीज कल्टीवेट की जा रही है, जो इस क्रॉप के व्यापक श्रेणी और पोटेंशियल को दिखाता है। कटहल काफी विभिन्न रंगों में आता है, जैसे कि लाल, गेरुआ और सुनहरा भी, और इसका साइज 2 किलो से लेकर 50 किलो तक हो सकता है। कुछ नोटेबल विकल्प हैं, जैसे कि ये वैरायटी रुद्राक्ष बीड की तरह दिखती है और 4 से 5 किलो तक भारी होती है। बड़ी वैरायटीज की बात करते हैं, इनका वजन तकरीबन 15 से 18 किलो तक का हो सकता है। कटहल ज्यादातर भारतीय स्टेट्स में उगता है, लेकिन ठंडे वातावरण में ये नहीं उग पाता। जैकफ्रूट को 2 मध्यम टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला है हार्ड फ्लैश वैरायटी, इनका इस्तेमाल चिप्स बनाने के लिए होता है और इनका मार्केट डिमांड भी ज्यादा होता है। दूसरा है सॉफ्ट फ्लैश वैरायटी, इनका उपयोग पल्प के लिए होता है जो कई फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। जैकफ्रूट ट्रीज को प्रारंभिक प्लांटिंग के बाद कम से कम रख रखाव की जरूरत होती है और ये 100 से 300 सालों तक जी सकते हैं। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है फल उत्पादन भी बढ़ता है, इसीलिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होते हैं और मार्केट प्राइसेस स्थिर हैं, जो इस क्रॉप को आर्थिक रूप से व्यवहारी बनाता है। कटहल की प्लांटिंग के लिए करंट स्पेसिंग 20 फीट बाय 20 फीट है, जो 100 प्लांट्स यानी कि 100 प्लांट्स प्रति एकड़ अकोमोडेट करता है। लेकिन नई प्रूनिंग तकनीकों के साथ स्पेसिंग को 15 फीट बाय 15 फीट तक कम किया जा सकता है, जो 195 प्लांट्स प्रति एकड़ की क्षमता देता है। जैकफ्रूट ट्रीज हिली टेरेन्स में भी अच्छा ग्रो करते हैं, जहां दूसरे क्रॉप्स नहीं उगते। जैकफ्रूट खेती के लिए प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मिट्टी को वेल ड्रेन्ड होना चाहिए ताकि वाटर लॉगिंग ना हो। सोलर पंप्स और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स अनुमान इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि कुशल पानी इस्तेमाल हो और पौधे स्वस्थ तरीके से बढ़ सकें। जैकफ्रूट फार्मिंग का एक बेनिफिट ये है कि ये कीटों और बीमारियों के लिए रेजिस्टेंट होता है। इसकी मोटी पत्तियां प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, जो पेस्ट कंट्रोल मेजर्स को कम से कम बना देती है। जैकफ्रूट के पेड़ 1.5 से 3 साल के बीच फल का उत्पादन करना शुरू करते हैं। फ्रूट मैच्योरिटी का कार्य तकरीबन 110 दिनों तक का होता है और हार्वेस्ट सीजन नवंबर से लेके जुलाई तक होता है। हार्वेस्ट टाइमिंग, क्वालिटी और प्राइस पे प्रभाव डाल सकती है। जैकफ्रूट फार्मिंग इकोनॉमिकली वायबल है क्योंकि रखरखाव कम है और रिटर्न्स ज्यादा होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हर पौधा 80 किलो फल दे रहा है और न्यूनतम रेट 40 रुपए प्रति किलो है, तो आपको हर प्लांट से 3,200 रुपए मिल सकते हैं। तो 242 प्लांट्स पर एकड़ के साथ कुल आय करीब 7,40,000 पर एकड़ हो सकती है, बेस्ड ऑन करंट रेट्स और यील्ड्स। जैकफ्रूट फार्मिंग की प्रसिद्धता बढ़ रही है क्योंकि ये प्रॉफिटेबल है, डिजीज रेजिस्टेंट है और फल को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। ये भारत के कई सारे रीजन्स में प्रसिद्ध हो रहा है, जैसे कि बिहार और असम से लेकर महाराष्ट्र तक। कटहल की खेती एक आकर्षक व्यवहार्य है, कम बीमारियों के रिस्क और लॉन्ग लास्टिंग फ्रूट स्टोरेज के साथ। इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी से साफ है कि कटहल की खेती भारत के अन्य रीजन्स में बढ़ती जा रही है। अगर आप नई खेती के बारे में सोच रहे हैं तो कटहल एक फ्रूटफुल चॉइस हो सकता है। और एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप जानना चाहते हैं कि 1 एकड़ जमीन में 1,00,000 रुपए तक की आय कैसे कमाई जा सकती है, तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड जरूर करें और इस विषय पर मौजूदा डिटेल्ड कोर्स जरूर देखें, जहां शुरू से अंत तक की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी।
तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे और वीडियोज आप देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी फार्मिंग।